अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, मस्त मलंग हो गए। सो वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोगों का मैं दिली से शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरी फर्स्ट व्लॉग पे। और मुझे बिल्कुल नहीं था कि यार वाकई इतना अच्छा रिस्पांस आ जाएगा, सीरियसली 100 से ऊपर व्यूज चलेगा। तो भाई थैंक यू दिल से मेरे फ्रेंड्स का और जिनको मैं नहीं भी जानती उन्होंने भी देखी। थैंक यू रिलेटिव सबको, थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट और लव दिखाते रहो और मैं तुम लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। मुझे बता देना DMs में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कि तुम लोगों को क्या देखना है, तो आई ट्राई माई बेस्ट। सो या तो बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। टाइटल पढ़ के समझ तो आ ही गया होगा। तो मैंने इस बारे में स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर तुम लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाओ फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक आउट। और जो है पॉइंट ये, यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम, पंखा बंद करके मुझे जो है ना शूट करना पड़ रहा है कि आवाज़ ना आए। हाँ तो हाँ भाई, आज हम जो है पाँच कोई ब्यूटी हैक्स ट्राई करने वाले हैं कि भाई ये काम करते भी हैं नहीं या बस ऐसे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाओ सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हैक नंबर वन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसमें कहा है कि कार्ट से हम जो है विंग नैना लगा सकते हैं। तो उन्होंने कार्ट लेकर, कोई सा भी कार्ट ले लो और कोई भी लाइनर, तुम लोग का पेन लाइनर है, कुछ भी लाइनर है, मेरे पास केक लाइनर है ये वाला एक्वा का, तो ये ले लो। इसको मैं लगा लेती हूँ ऐसे करके। इसके एजेस पे लगाना है उन्होंने, तो ये लगा लेते हैं यहाँ पे सही से। आई हाय, ये तो मेरा तो लग ही नहीं रहा इस पर। अब ये लगाने के बाद इन्होंने कहा कि इसको हमें इस लाइन से यहाँ पे लगाना है, ये ब्रोस की इधर तक, तो ये लग जाएगा। तो इसको लगा के देखते हैं, मुझे शीशा चाहिए होगा। तो ये मैंने इतना लगा लिया है यहाँ पर, अब इसको हम फिलअप करते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं। मैं इसको भरती हूँ, भर के वापस आती हूँ। हे गर्ल्स, मैं वापस आ गई हूँ। इसको फिलअप करके मैंने लैशेस के साथ साथ ब्रश चलाया है और इस लाइन पे लाकर छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल अच्छा लाइनर लग चुका है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक कार्ड जो है वो लगा सकता है लाइनर, और जिनको विंग लाइनर लगाना नहीं आता है वो इससे ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और अच्छा लगेगा। तो इस हैक को हम पास करा देते हैं। हैक नंबर टू में इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास लाइनर अगर सूख गया है या चलता नहीं है या आपके पास कलर लाइनर नहीं है तो क्या करें। वार्म वाटर निकाल देती हूँ। वार्म वाटर, एक ग्लास का ग्लास में पानी लेना है, वार्म वाटर, नॉट ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म पानी में इन्होंने कलर्स डाल दिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले से डाल दिए थे 15 मिनट्स पहले, ठीक है। अब 15 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो कलर इसका ना ऑरेंज हो गया, मतलब इसने कलर छोड़ दिया था। आई थिंक सो ये काम करेगा, तो इसको अब हम लगा के देखते हैं। जब भी मैंने अपनी एक लाइनर यहाँ पे लाइनर नहीं लगाया था तो उसको हम रेम्बो बनाते हैं, या एक कलर से ट्राई करके देखती हूँ। इसको मैं निकाल लेती हूँ, भाई ये बहुत गीला हो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह नाइस, लुक ये काम कर रहा है। ये मैंने लगा लिया है, ये वाकई अच्छा है के, और ये मेरी कलर्स जो है ना ख़राब हो जाएंगे, मैंने कहा हूँ बाहर इसको। तो भाई ये वाकई बहुत अच्छा है के, तो यूज़फुल भाई, पैसे बचेंगे। ये नहीं लो महंगे लाइनर्स वगैरह, इससे कि जब काम चल सकता है कलर से तो हम इससे काम चलाएंगे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो इस हैक को हम पास देते हैं। हाँ भाई, हैक नंबर थ्री स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मेरे नेल्स देखो, लुक दिख रहे हैं, नेल्स चेक करो भाई, समझ तो आ ही गया होगा कि
कि क्या होगा, लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इन फैक्ट में इन्होंने हमें कहा है कि आप जो है नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो हम लेमन के थ्रू नेल पॉलिश उतार सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि भाई सोप वाटर ले लें और उसके साथ लेमन ले लें, लेमन स्लाइसेस, ये मेरे पास हैं मेरे, तो इसको करते हैं लेट्स स्टार्टेड। भाई सोप वाटर में इन्होंने लिक्विड सोप डाला था, मेरे पास लिक्विड सोप नहीं था, मैंने एक मिनट के लिए कोई आम लोग इसे यूज़ करते हो सोप, भाई मेरा तो सेव गार्ड था, तो वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। एक मिनट के बाद मैंने इसको छोड़ दिया तो ये इस तरह से वाइट वाइट हो गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ उसको। हाँ भाई, इस सोप के अंदर मैंने हाथ डाल दिए थे अपने, तो हम भी डाल देते हैं फिंगर्स। और इन्होंने टाइम लिमिट नहीं दी थी तो हम एक मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। भाई मैं आ गई हूँ, ये मैंने हाथ सोप कर लिए थे अपने इसमें, अब मैं इसको ट्राई करती हूँ ये हो रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ऐसे किया था तीन दफ़ा और ये हो गया था। और ये लेमन जो है भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाई ये कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो ये इंतहाई का सड़ा हुआ है फिर तो। ये मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है और मेरा लेमन ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी भाई, इसको बेबी वाइप है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको पूछ। हाँ तो ये नहीं हुआ सही है, बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, 19-20 भी नहीं हुआ, ये मेरी फिंगर्स ऐसी हैं। तो भाई ये हैग इंतहाई का फ्लॉप किया, तो इस हैग को हम फेल करार देंगे और ये बेकार है कि ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा यही है कि भाई रिमूवर ले लो। Yes, finally the wait is over, और वो हैक आ चुका है जिसके बारे में मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी डाली थी। यस, यानी कि मैं अपने बाल बेसिकली जो है रेड करने वाली हूँ अपने बाल, ट्राई करके देखते हैं। इस हैक में उन्होंने हमें कहा कि हम नेचुरली अपने बाल जो है पिंक कर सकते हैं और रेड कर सकते हैं, आई डोंट नो, तो चुकंदर की मदद से। तो इन्होंने चुकंदर को मैश मतलब स्टीम करा था, तो मैंने इसको बॉयल कर लिया। इन्होंने नहीं बताया हमें कि बॉयल करना है क्या करना है, तो मैंने सिंपल इसको बॉयल करके और उसको मैश कर लिया था और उसको जूस निकाल लिया और उसके अंदर एक टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया, तो उसका मिक्स कर लिया और फिर हम उसको पालों में अप्लाई करेंगे। वो सारा प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ पहले, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ कि वीडियो वैसी इतनी लंबी हो चुकी है। तो और मुझे एक बात कही थी, उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी। हर चीज़ को मैंने जो है हैक्स ढूंढना, उसके बाद मैंने उसको चीज़ें कलेक्ट करना उनकी और फिर टेक्स लेना, एक एक दो दो टेक्स के बाद मेरी वीडियो बनी है, तो बहुत मेहनत लगी है। और एक हफ्ते में मुझे सब करना था, एक हफ्ते में दो दिन में मुझे सब करना था क्योंकि मुझे सैटरडे तक वीडियो रेडी करनी थी। सो होपफुली तुम लोग को पसंद आई होगी, तो और हॉनेस्ट रिव्यू देना ताकि मैं अपनी वीडियो बेहतर से बेहतर कर सकूं। सो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और ये लुक मैंने यहाँ रबर बैंड लगा ली है भाई, मुझे इतने इतने बाल करने हैं। सो भाई ये था पेस्ट, ये दो छोटे चुकंदर का पानी है, तो यानी कि बीट रूट्स का, तो मैंने ऑलिव ऑयल मिला दिया था। तो अब इसको लगाते हैं, मैं ग्लव्स पहन के आ गई थी भाई, मेरे हाथ ना ख़राब हो जाए। तो ये लगेगा कैसे मुझे नहीं पता, बट ये मैं इसमें लगा रही हूँ, ठीक है, इस तरह बुरिश से ये नहीं लग रहा, मैं लगा के देख चुकी हूँ, मैंने ऐसे बाल भी बो दिए अपने। ओके, ये हो गया, तो मैं इसको कंप्लीट करके देन आई विल मीट यू। हाँ भाई मैं आ गई हूँ और जो है वॉश करके, एंड ये हैक वाकई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जितनी इसने गंदगी मचाई थी ना, लेकिन उसने उतना ही अच्छा काम किया है। एक तो मेरे बाल सॉफ्ट हो गए, दूसरा शाइनी आ गई, तीसरी सिल्की हो गए बिल्कुल, और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर इसने मुझे दे दिया। तो ये मास्क भी बन गया एक अच्छा, और एक कलर डाइंग भी बन गया,
तो इसने दो अच्छे काम कर दिए हैं। लुक मेरे कलर इसमें आया, पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप धूप में जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कलर दिखेगा। और या हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि चुकंदर जो है बालों को भी मतलब डाई कर देता है इस तरह से, लेकिन इसने कर दिया। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन इसने कर दिया, मेरे बाल इतने अच्छे कर दिए। अब मेरे पास कमेंट्स आएंगे तुम बालों में मार उंगली क्यों कर रही हो भाई, ऑब्वियस बात है इतनी मेहनत की है तो बनता है। और चुकंदर खाना भी चाहिए भाई, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो खाते नहीं है, तो खाओ ताकि पिंक पिंक हो जाओ नेचुरली। उसके अंदर इतने अच्छे विटामिन आई थिंक 29 होता है, और कैल्शियम तो नहीं होता, खैर पोटेशियम और क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, सब कुछ होता है। तो वो खाया करो भाई, अच्छी चीज़ें खाया करो, ये बर्गर शर्गर मत खाया करो तुम लोग। तो आगे की वीडियो देखो, और शर्ट प्लीज़ तुम लोग ट्राई करो तो दूसरी पहन मतलब कुछ टॉवल वगैरह लगा लेना, मेरी शर्ट ख़राब हो गई है। देखो आगे की वीडियो देखो, हैक 5 एंड यस। और इसमें इन्होंने हमें कहा है कि फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर को मिला के लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और इजीली ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ। और तो इस हेयर को करके देखते हैं भाई, थोड़ा सा लूँगी जल्दी जल्दी, रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे शूट करना पड़ रहा है हमें। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है और बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जिन लड़कियों के पिंपल्स निकलते हैं और यहाँ से स्वेट सा रहता है तो भाई वो यूज़ ना करें, ये है क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो यूज़ ना करें, लेकिन वैसे ये है बिल्कुल सही है तो इसको हम पास देते हैं। और जो है अच्छा तो गई, हाँ तो होपफुली तुम लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम लोग को और इस तरह की अमेजिंग वीडियो देखनी है तो मुझे DM करके बताना या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वो हैक्स मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी। और या तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो।